हेलो फ्रेंड्स, तो आपको तो स्टैचू के बारे में पता ही होगा। मींस स्टैचू एक पुतला। लाइक दुनिया में बहुत सारे स्टैचू है, फॉर एग्जांपल स्टैचू ऑफ लिबर्टी, लाइक क्राइस्ट ऑफ एडमियो, या फिर स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्या आप जानते हैं इन स्टैचू जो होते हैं, जो लाइक मैंने अभी जो नाम बताए, कितने हाइट में होते हैं? कुछ स्टैचू बहुत हाइट में होते हैं, तो आज हम वही बहुत हाइट वाले, इन शॉर्ट टॉलेस्ट स्टैचूज इन द वर्ल्ड के वीडियो में बात मीन उनके बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दिस इज स्टैचू ऑफ यूनिटी। सो आपको पता होगा इट इज 182 मीटर्स एंड फीट में भी मैंने लिखा है हाइट। सो स्टैचू ऑफ यूनिटी इज अ कोलेस्ट्रल स्टैचू इन इंडियन स्टेट्समैन एंड मीन्स उनके ऊपर सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर ही स्टैचू बना है। हु वॉज अ एक्टिविस्ट एंड अ फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड अ होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड लाइक महात्मा गांधी के वक्त जो नॉन वायलेंट हुआ था इंडिपेंडेंस, उनके उसके वक्त भी इन्होंने बहुत ही अच्छा रोल निभाया था। उसकी वजह से इनका एक बहुत खूबसूरत सा स्टैचू बना है इन गुजरात एंड इट वॉज एक्चुअली अनाउंस बाय पीएम नरेंद्र मोदी एंड इट इज वन ऑफ द टॉलेस्ट स्टैचूज इन द वर्ल्ड। दिस इज स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा। सो ये स्टैचू जो है मैंने आपको हाइट दिखा दिया है, सो हाइट लिखा था मैंने। एंड स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा इज एक्चुअली अगेन अ कॉल्सन स्टैचू। लाइक लुक मीन्स उनको मीन्स वो बुद्धा को डिस्क्राइब करे ऑफकोर्स। एंड इन द टाउनशिप ऑफ लुशान कंट्री में है चाइना। सो इट वॉज बिल्ड इन 1997 to 2008। सो इसका जो लेंथ है वो है 128 मीटर्स या फिर 420 फीट। इट इज दैट मच ऑफ लेंथ। इसका कंप्लीशन डेट था 1 September 2008। मींस स्टैचू स्टार्ट हुआ था, सो कंप्लीट भी एक दिन हुआ, तो वो डेट मैंने बताया। दिस इज स्टैचू ऑफ इक्वालिटी या फिर रामानुजा। सो ही वॉज एक्चुअली अ डिवोटी, और या फिर हम बोल सकते हैं एक बहुत ही खूबसूरत प्रिंस थे वो। सो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी इज मॉन्यूमेंट डेडिकेटेड टू 11th सेंचुरी वैष्णव एक्टिवेट सेंट भगवत रामानुजा, जो थाउजेंड ऑफ इयर्स सिंस हिज बर्थ। मीन्स लाइक ही वॉज डेडिकेटेड हिज लाइफ टू ऑल डिवोटिंग थिंग्स। This statue is actually 216 feet. Yes, इसकी height इतनी long है. So basically इसका जो beginning date था वो था 2 May 2014 and completion date था 2018 में complete हुआ था. So it is again one of the most tallest statues. Most common statue heard by all of us, Statue of Liberty. So Statue of Liberty is actually a sculpture on Liberty Island in New York Harbor within New York City in United States. So United States में present है New York City and New York City में present है New York का harbor. So उधर एक island present है called as Liberty. So यहाँ पर वो present है. This is a copper statue gift from France to the United States designed by the French sculptor also. So it was a gift from France people to the United States people. So इसका height of this copper statue torch तक इतना है, फिर from ground level to torch तक इतना है, means दो means height दिया गया है। This is a scripture of Christ, Jesus Christ, and this is second highest scripture of Jesus. So actually Christ of Peace भी से बोला जाता है इस स्टैचू को। It is of Jesus Christ located in a Pedro Hill to the east of Coimbatore and Bolivia. Actually it is accessible by a cable car. So इसका हाइट जो है मैक्सिमम लेंथ में जाता है 40.44 मीटर्स। सो इतना वो हाइट तक जाता है। बट एक्चुअली मैं उसका अप्रोक्सीमेटली बताऊँ, दिस स्टैचू इज
34.20 मीटर्स टॉल एंड पेडेस्ट्रियल से भी मीटर्स दिया गया है एंड टोटल हाइट में दिया है। सो ये थे कुछ अमेजिंग स्टैचूज एंड ऑफ कोर्स देयर आर मेनी स्टैचूज इन द होल वर्ल्ड जो आपको पता नहीं है। यस, बस इतने नहीं, बहुत सारे हैं एंड ऑलमोस्ट बुद्धा पे बेस्ड है, सो वो भी मैं लाऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया है। मैंने उनका हाइट बताया है, उनके बारे में थोड़ा सा बताया है एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल का पिक्चर भी रखा है। ओके, सो यू मे सी द होल वीडियो अगेन सो दैट आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो होप यू लाइक दिस वीडियो वेल। देयर आर मेनी हिडन स्टैचूज इन द होल वर्ल्ड, वो उसका भी एक वीडियो आएगा। देयर आर मेनी डेंजरस प्लेसेस इन द होल वर्ल्ड, सो उसका भी वीडियो आएगा। सो कीप कंटिन्यू वॉचिंग माई चैनल टू सी दिस काइंड ऑफ content. So thank you for watching this video and bye.